की सियासत में इस वक्त छह मात का खेल चल रहा है। शतरंज के खेल की तरह लोकसभा चुनाव में एक दूसरे पर जीत हासिल करने के लिए चाले चली जा रही हैं। और अब जौनपुर की राजनीति के बड़े खिलाड़ी बाहुबली नेता धनंजय सिंह सियासी पिच पर उतरने जा रहे हैं। जी हां, वही धनंजय सिंह जो 7 साल की सजा काट रहे थे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद को जमानत दे दी है, जिसके चलते धनंजय सिंह अब जेल से बाहर होंगे। हालांकि कोर्ट से मिली राहत में एक ट्विस्ट भी है। कोर्ट ने जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसके चलते धनंजय सिंह जौनपुर से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसकी तैयारी वो बहुत पहले से कर रहे थे। सजा पे रोक लगा दी है, लेकिन कन्विक्शन एक अलग चीज है। कन्विक्शन का मतलब दोष, और सजा होता है सेंटेंस। तो सजा पे रोक लगा दी है, सजा को स्टे कर दिया है, लेकिन दोष सिद्ध जो होता है फर्स्ट स्टेज, उसको स्टे नहीं किया, उसको सस्पेंड नहीं किया। अब चुनाव अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वो जाना उचित समझे, समय कम है, नॉमिनेशन 29 से शुरू है, सिर्फ 6 तारीख तक नामांकन है, उसमें भी कुछ छुट्टियां भी हैं 1-2 दिन जिस नामांकन नहीं है, तो वो उनकी स्ट्रेटजी है, वो अपना देखेंगे कि उनको कहाँ जाना है, क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा, ये भविष्य के गर्भ में। फिलहाल हम लोग जजमेंट का इंतजार कर रहे हैं, ऑर्डर अपलोड हो जाए फिर इस पर बात करेंगे डिटेल पढ़ने के बाद। कहीं ना कहीं धनंजय सिंह को इस बात का आभास हो गया था कि वो कानूनी दावपेच के चलते इस बार का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए धनंजय ने बीएसपी के टिकट पर अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से चुनावी मैदान में उतार दिया। श्रीकला रेड्डी अभी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और एक राजनीतिक परिवार से आती हैं, जिसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, दिन ब दिन बहुत अच्छा चल रहा है, और सब लोगों का, इतना सीनियर लोग है और बहुत यूथ 100% मेरे साथ है, सब जितना भी यूथ अब बात कर लीजिए हमारे साथ है, और हर वर्ग लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। धनंजय जमानत पर जेल से बाहर होंगे और पत्नी श्रीकला के लिए प्रचार भी करेंगे। इसका फायदा भी श्रीकला रेड्डी को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि श्रीकला की राह आसान है। बीजेपी ने दिग्गज नेता कृपा शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो महाराष्ट्र की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और पहली बार जौनपुर से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने सियासत के पुराने खिलाड़ी बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। लेकिन श्रीकला को प्रचार के दौरान धनंजय का साथ मिलेगा, जिससे जौनपुर का मुकाबला 3 तरफा हो सकता है। बहरहाल 2019 के चुनाव में जौनपुर सीट पर बीएसपी ने कब्जा किया था और बीएसपी ने इस दफा टिकट बदलकर श्रीकला रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लिहाजा बीएसपी के कोर वोट बैंक और धनंजय सिंह की लोकप्रियता का फायदा जहां श्रीकला के हक में जाएगा, तो बीजेपी को अपने संगठन का सहारा है। वहीं सपा को MY फैक्टर में अपनी जीत नजर आ रही है। ऐसे में जौनपुर की सियासी लड़ाई में जीत किसकी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।